सुमित याद है ना कल मम्मी जी पापा जी की 40वीं सालगिरह। 40वीं सालगिरह? मम्मी जी पापा जी कब इतने बड़े हुए पता ही नहीं चला। तुम कुछ पार्टी वार्टी अरेंज कर रही हो ना? इस बार तुम क्यों नहीं अरेंज करते पार्टी? माया तुम जानती हो मैं कितना यूजलेस हूँ, पर तुम पिछले साल मेरे बर्थडे पे तुमने जो पार्टी अरेंज की थी ना धमाकेदार थी, पूरी कॉलोनी हिल गई थी। अच्छा? कसम से वो मॉन्टी तो तुम्हारे चिकन कटलेट जेब में दबा के भाग रहा था। तुम अगर शादीशुदा नहीं होती ना तो दंगे मच जाने थे तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम्हारा तारीफों का पुल तो यमुना पार करने वाला है। क्यों ना करे, तुम मेरी ड्रीम गर्ल जो हो। वही ड्रीम गर्ल ना जो तुम्हारी पार्टीज का सारा काम करे, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक्स बनाए, तुम्हारे मुंह में कटलेट्स ठूसे, पार्टी के बाद सारी बोतलें उठाए, क्या बात है, और प्लेटें साफ करे। परफेक्ट। बोल दियो। दूसरी ढूंढ लो। मोनू ये ले तेरा थोड़ा। भैया याद है ना कल मम्मी जी पापा जी की 40वीं सालगिरह है। तो पार्टी शार्टी हो रही है क्या? आप दोनों करण अर्जुन ही मिलके डिसाइड करो ना कि पार्टी कैसे देनी है। कुछ ओढ़िया? नहीं यार कल ही खाई थी। ब्रेड पकौड़े? हाँ 8 ब्रेड पकौड़े या 12? 12 ब्रेड पकौड़े और गला गीला करने के लिए रम की बोतल है ना मेरे पास, दो और मंगा लेते हैं। 12 ब्रेड पकौड़े, 3 रम की बोतल, कुछ और भूल तो नहीं रहे? चटनी पुदीने वाली मंगवा लेते हैं। नहीं नहीं इमली वाली, एक्चुअली 40वीं सालगिरह है तो दोनों मंगाते हैं। ऐश करेंगे? बस बस हाँ, चटनी ब्रेड पकौड़े ये पार्टी दोगे आप दोनों मम्मी जी पापा जी को? रम भी तो है, पकड़ो। ये क्या है? पार्टी की गेस्ट लिस्ट, सबको फोन करो। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पार्टी नहीं देनी। अब तो देनी ही पड़ेगी वरना बेचारे मम्मी जी पापा जी अपनी 40वीं सालगिरह अपने बेवड़े बेटों को कोसते हुए बिताएंगे। चल खोल दे बेटा। कीड़े पड़े तुम्हारे, पदयात्रा करवानी थी ना तो गाड़ी में क्यों लेके गए? माया ये ले बच्चे और ये ले बैंगन। ओके चल चल चल। डॉली तेरे को है ना पैसा खर्च करने की लत पड़ गई है। अबे कौन उल्लू का पट्ठा गधा जो है वो मॉल में पार्किंग के लिए 100 रुपए देगा? चप्पल घिस गई मेरी, पैरों में छाले पड़ गए। मेरा ना मन करता है तो मैंने कुछ उठा के मारूं। मैं का नहीं है ये। पता है मोनू गाड़ी ना नो पार्किंग में लगाई थी, 2 किलोमीटर दूर भाग रहे हैं। क्यों? ताकि पुलिस गाड़ी उठा के लेके ना जाए। हाथ में बच्चे, हाथ में बैंगन, भाग रहे भाग रहे। अबे तू उसे भागना कहती है? बेवड़ा कछुआ भी ना तुझसे तेज चलता होगा। तुम तो ना कछुए से भी ज्यादा मक्खी चूस हो। हाँ हाँ हूँ। जिंदा लोगों का खून चूसे तो अच्छा है कि मैं मरी हुई मक्खी चूस लूं। छी छी छी, खाना हाथ में मरी हुई मक्खी चूस। चल 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 चलो यार खाना बना चलो घर चलो। अरे चलना, हाथ में छाले पड़ गए क्या? क्यों तू कर रहा? मैं नहीं कर रहा। क्या तेरा काम? क्या थक गई हूँ एक तरफ। ज्यादा टेंशन मत कर, वारंट कर दूंगा नहीं तो। इन दोनों के लिए 2 अलग अलग पार्टी रखें क्या? लिस्ट बना। मोनू क्या मजेदार पिक्चर थी। ओ, पर मेरा मजा तो तूने किरकारा कर दिया। मेरा समोसा छीन के गैस हो जाएगी, मत खाओ गैस हो जाएगी। उसमें कौन सी नई बात है, 40 साल से यही हो रहा है। एंजॉय ये करते गैस हम झेलते। एंजॉय तो मैंने सिर्फ 1 साल किया था जब तूने मुझे छोड़ दिया था। मम्मी जी पापा जी बस भी करो आज के। छोड़ दिया था मतलब?
अरे कुछ नहीं, तेरे पापा जी ना कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। 1992 मेरा फेवरेट साल, पूरे साल में हवा में उड़ रहा था स्लो मोशन में। चुप करो, बच्चों के सामने कुछ भी बोलोगे? बच्चा? अब इसमें बच्चे जैसा बच्चा क्या है? बोलू, तेरे को पता है तेरी माँ और मैं एक साल के लिए अलग हो गए थे। मुझे ये सब क्यों नहीं पता? मुझे पापा जी क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे बाथरूम जाना, दरवाजा खोल। लेकिन अब रुकिए तो, अब बताइए तो, मुझे आपसे बात करनी है। अरे वाह, पार्टी! अच्छा, तो इसलिए तू मुझे तैयार करा के ले गया था डॉली? पर मुझे नहीं खिलाना जनता को फ्री फंड में। भाटिया साहब, काजू नीचे रखिए। पापा जी, पार्टी हमारी तरफ से। तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, खाम खा में बीपी हाई कर दिया। मम्मी जी, पापा जी, मैं आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। बोल बोल। रब ने बना दी जोड़ी जैसे दही और कचौड़ी। बाद में देना भाषण, मुझे पहले इन दोनों से बात करनी है। नहीं, मुझे सुननी है कविता उसकी, इनको लेके जाओ अंदर। नहीं नहीं, आप दोनों से बात करनी है, अंदर चलिए, अंदर चलिए। कविता सुनिए। और भी है, आपको देख के दिल ये बोले, साथ रहे आप जैसे भटूरे और छोले। बहुत अच्छा था। कचौड़ी खानी है ना, तो आप यहाँ पे खाइए, लेकिन पहले आप मुझे बताइए। ओए खचरो, बनाती कहाँ छुपा रखी है? हैप्पी ताऊ जी, मैंने नहीं दिने आपको वलायती वलायती। पिछली बार दारू पी के जुगनू चाचा के श्राद्ध पे चाची को ही छेड़ने लगे थे। अरे खचरा, विधवा का घर बसाना पुण्य कमाना है, मैं तो पुण्य कमा रहा था, दैट्स ऑल। अरे माला से मधुबाला मंगती चली जा रही है ये तो। हैप्पी ताऊ जी, ये जरा, ये जो है ना, ये मेरे पति अभी तक जिंदा है। ताऊ जी, अगर आपको पसंद है ना तो ले जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए सांस रोक लूंगा। आप ना सोनू से जाके पूछिए, गमले के पीछे ना उसने पौवा छुपा के रखा। मैं दिखाती हूँ। क्या छोड़ा, क्या मिला? चलो बेटा, चलिए लो। मोनू बैठना, कुछ खाएगा? नहीं मम्मी जी, आप पहले मुझे बताइए कब, कैसे और क्यों आप दोनों अलग हो गए थे। छोड़ ना मोनू, 23 साल पहली बात है बेटा। वाह सुमित, शाबाश। मम्मी जी, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए कविता लिखी और अबे इसे... कविता छोड़, तू जानता है मम्मी जी पापा जी अलग हो गए थे? दोबारा क्या मतलब, तू जानता था इतना सब कुछ हुआ तब मैं कहाँ था? तू चाचा चौधरी पढ़ रहा था, याद है बचपन में आप कुछ महीने नानी के यहाँ रहे थे जब घर की मरम्मत चल रही थी? अबे कोई मरम्मत नहीं हो रही थी। एक मिनट, बहुत पुरानी बात है बेटा, उस वक्त ना हम ऐसे ही खुश रहा करते थे, तुम्हारे और माए जैसे। हमारे जैसे? ऐसे ही हंसते थे, ऐसे ही लड़ते थे, बिल्कुल सेम टू सेम। मुझे याद है उस दिन मैं तेरे पापा के पसंदीदा दही कचौड़ी बना रही थी। कितने प्यार से बनाई थी, दही न ज्यादा खट्टी न मीठी, कचौड़ी न ज्यादा नरम न करारी, पड़ोसियों से चुराई हुई ताजी धनिया, और फिर कचौड़ी चखने से भी पहले ये घुर्रा के बोले, इमली की चटनी कहाँ है? और डॉली, सब जानते हैं इमली की चटनी के बगैर दही कचौड़ी दही कचड़ा होती है। कितने दिल से बनाई थी दही कचौड़ी, एक दिन उसके साथ इमली की चटनी नहीं मिली कि कौन सी आफत आ गई, और इन्होंने तो एक बार चखी भी नहीं। मेरे ही घर पे मुझे चटनी ना मिले, कौन सहेगा ऐसी बेइज्जती? बेइज्जती? आपकी बेइज्जती? और मेरी मेहनत की चटनी बन गई, उसका क्या? बात का बतंगड़ तूने बनाया था डॉली। ऑर्डर किसने दिया था? निकल जा मेरे घर से। हाँ, जैसे कि तू मेरा हर ऑर्डर मानती है। कचरा, मुझे मेरी दिल मिल गई। प्लीज प्लीज, हम बिजी हैं। मैं
से जोर शोर से शादी करूंगा। I'll prove it, old is gold. शादी का कार्ड जरूर भेजना। तो अब मैं अपनी कविता सुनाऊं? हाँ, नहीं, पहले इनकी कहानी पूरी होने दे। कुछ नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को लेके मैके चली गई, फिर महीनों तक मैंने इनका मुंह नहीं देखा। लेकिन फिर आप एक दूसरे को मिस करने लगे और एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वापस एक साथ कैसे आए? तेरी वजह से। प्लीज मुझे बचाइए, वो ठरकी अंकल बार बार मुझे शादी के लिए कह रहे हैं। मेरी दुल्हन तुमने देखा? मेरी वजह से मतलब? तू साइकिल से गिर गया था ना? हाँ। तू साइकिल से गिरा तो तेरे हाथ की हड्डी टूटी। फिर तेरे पापा आए मेरे मायके तुझसे मिलने। मैं जानती थी वो आ रहे हैं, इसलिए मैंने फिर से बनाई वही दही कचौड़ी। इस बार इमली की चटनी के साथ। एक बार चखाने एकदम उंगलियां चाटने लगी कि आंखों में फिर से प्यार नजर आने लगा। ये लो बाल्टी भर चटनी, इसे घर ले जाओ और इसी के साथ पूरी जिंदगी बिताओ। और फिर ये गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे चटनी नहीं चटनी वाली चाहिए। मेरे सामने आके गिड़गिड़ाए, दया आ गई मुझे, मैंने भी माफ कर दिया इन्हें। हाँ हाँ कर दी थी मैंने गलती, चटनी के लालच में मैंने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। देख डॉली जिंदगी तो मैंने वेस्ट कर दी यूं ही खड़े खड़े, लेकिन ये केक वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ये देख। अरे हाँ। क्या किया तुमने, कमाल करते हो, दोनों ने मिलके काटा था। एनिवर्सरी का केक है। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। क्या कर लिया? नो अब सुना अपनी कविता। अभी भी अपसेट हो? मैं साइकिल से नहीं गिरता तो मम्मी जी पापा जी कितने खुश रहते ना। क्या दोनों अलग अलग रहते, कोई लड़ाई नहीं करते, सब मेरी गलती है। तुम जब डिप्रेस्ड होते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। 20 साल बाद इसी चेहरे को देख के इस पे रोड रोलर चलाने का मन करेगा। वो तो अभी भी करता है। मजाक कर रही हूँ यार, क्या हुआ? माया मम्मी जी पापा जी जैसे हैं वही हमारा फ्यूचर है, सेम टू सेम। पर सुमित हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माया तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हारे हलवे से हमेशा किशमिश चुरा लेता हूँ, हफ्ते भर तक नहाता नहीं हूँ, एक्टिंग ऐसे करता हूँ जैसे मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ पर मैं एक्चुअली कुछ नहीं सुन रहा होता हूँ, सोते वक्त तुम्हारे तकिए मोड़ देता हूँ। सच बताओ तुम मेरे साथ खुश कैसे रह सकती हो? तुम मेरी बात सुनने की एक्टिंग करते हो? 20 साल बाद हम भी फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ऐसा होने से पहले
मैं ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं, घर से बाहर मत निकालना। पता नहीं मेरा सामान कहाँ कहाँ बिखरा पड़ा है, पैकिंग करने में महीनों लग जाएंगे। सुमित भैया, मैं जानती हूँ तुम कितने लेजी हो, आलस के मारे ही मेरे साथ टिके रहोगे। मजाक मत उड़ाओ मेरे आलसीपन का, इसी की वजह से हमारी शादी टिकी हुई है। नींद आ रही है। खा रहा हूँ। खत्म हो गया। दिमाग में गू भरा है तो मुंह खोलने की क्या जरूरत है? लो। अब ऐसा मैंने क्या कह दिया? मोनू, देखा ना तेरे पापा जी ने कल क्या गुल खिलाया? क्या गुल खिलाया भाई? मेरी पार्टी, मेरा घर, जो चाहूंगा खाऊंगा खिलाऊंगा। ऑमलेट की क्या पोजीशन है? अच्छा, तुम्हारा घर है तो कभी भी बेल्ट खोलोगे और खुजलाओगे शरीफ लोगों के सामने? मिल रहा है ऑमलेट, रुको। और कौन से शरीफ लोग थे वहां पर? मंजीत और निप्पी तो थे, और वो तुम्हारी मिसेज मनोचा जो पता नहीं बात बात पर पागलों की तरह हंसी जा रही थी। अचार कहाँ है? अचार टेबल पे पड़ा है, खाओ। ओफो, यहाँ कुछ छुपा के रखा। और मिसेस मिनोचा है ना, वो तो है ही पागल, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो उससे भी ज्यादा क्रैक है। मेरा दिमाग क्रैक है, और तू जो अपनी मोटी कमर लचका लचका के डांस करने की कोशिश कर रही थी वो नमक नमक नमक। अच्छा, तो मैं मेरी कमर लचका के पार्टी में नाच भी नहीं कर सकती? नहीं, नाच सकती है, लेकिन हैप्पी ताऊ जी है ना, उनको तो तेरे नाच से बदहजमी हो गई, पूरी रात बाथरूम में बैठे रहे। मम्मी जी, पापा जी, प्लीज, क्या कर रहे हैं आप लोग? चुप हो जाइए। क्या कर रहे हैं मतलब? नाश्ता कर रहे हैं। आप एक दूसरे से क्या क्या कह रहे हैं, कुछ पता भी है आप लोगों को? अबे शोर क्यों मचा रहे हैं, हम तो रोज की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से कुश्ती खेल रहे हैं, अपनी जबान से तलवार चला रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं। बात करने के अलावा आप लोग सब कुछ कर रहे हैं। लगता है तेरा नाच देख के है ना, इसको भी बदहजमी हो गई है। तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारी तरह पागलपन का दौरा पड़ा है उसे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी तक नहीं। अगली बार है ना, एक काम करियो, जब तू नाचने का प्रोग्राम बनाए ना तो पहले बता दियो, ताकि तेरे नाच से पहले मैं पंख से लटक के अपनी जान दे दूंगा। जरूर नाचूंगी, खुशी से नाचूंगी तुम्हारी चिता पे। ऑमलेट कैसा है? ए वर, एको ले लूं। लो। मिर्ची कहाँ है इसमें? अरे चुप करो, कोई मिर्ची नहीं मिलेगी, करना एसिडिटी से तांडव करोगे। मेरे को आज तक तेरी बाथरूम से एसिडिटी नहीं हुई, ते मिर्च किस खेत की बोली है? बीपी ये क्यों डाले जा रही है? बीपी की फिक्र नहीं है क्या तेरे को? तुम्हारे होते हुए नमक की क्या मजाल जो मुझे बीपी हो जाए। क्या मारा है? खाओ। और कुछ बनाओ। मेरे को बना दिया, अब और क्या बनाएगी? The Indians trying to recover from the double blow, 104 for 2, and it's up to the new captain. एक बात बताऊं सोनू, किचन में मम्मी जी पापा जी लड़ नहीं रहे, मम्मी जी पापा जी नाश्ता कर रहे हैं रोज की तरह। मुझे पता है। मुझे लगता था कि वो एक दूसरे से बहुत परेशान है, पर वो परेशान नहीं, वो ऐसे ही हैं, और जैसे भी हैं बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। मुझे पता है। मतलब साइकिल से गिर के अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, फिर भी वो किसी ना किसी बहाने एक दूसरे से मिल ही जाते, है ना? वो जो तू साइकिल से गिरा था वो एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट नहीं था। मैं नानी के घर पक गया था, और पापा थे कि हमें वापस ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मुझे आइडिया आया कि अगर तेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो पापा जरूर आएंगे हमसे मिलने। तू पागल है क्या? गहरी
चोट लग सकती थी, मुझे सर फट सकता था मेरा। सर फटता तो 100% पापा ने तो आना ही था ना मिलने। ऐसे दूसरा प्लान भी था मेरे पास कि बल्ला लेके ना तेरा सर में। नहीं नहीं बस बस बस। गर्मा गर्म जैसे नान खताई, सोनू ने देखो क्या जोड़ियां बनाई। जोड़ी। Bum 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 b